का विषय है भारतीय स्कूली ज्ञान, स्कूली ज्ञान का लोकतंत्र और हाशिया। सबसे पहले मैं देवेंद्र जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, उन्होंने इस विषय पर मुझे प्रेरित किया बोलने के लिए, और राजा राम भादु जी का, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए उकसाया। तो विषय शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है 3-4 मिनट में देर हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत असुविधा होती है, मैं जानता नहीं इसको डील करना, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों का इंतज़ार करवाया। अब विषय पर आते हैं कि भारत स्कूली ज्ञान का लोकतंत्र और हाशिया। ये विषय को समझने के लिए ज़रूरी है कि स्कूल जगत के जो लोकतंत्र है उसको समझा जाए। लोकतंत्र को समझने के लिए जरूरी है, भारतीय स्कूली संदर्भ में लोकतंत्र को समझने के लिए जरूरी है कि हम यह देखें कि पिछले कुछ दशकों में कौन से शब्दावलियों से हमारी भारतीय शिक्षा परिभाषित हो रही है, कौन कौन सा शब्द विमर्श में देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखें तो एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस का विमर्श चल रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव एक तरह का बाजारवादी जो शब्दावली है कि आप इनपुट कितना लगा रहे हैं और आउटपुट कितना लगा रहे हैं, इस पर नज़र रखा जाए और आउटपुट जो है ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए कि अगर इस आउटपुट के संदर्भ में हमने देखा कि ये भारतीय स्कूली शिक्षा को इस हद तक प्रभावित कर रही है कि पहले खेप में आज अखबार उलट रहा था तो देखा कि मध्य प्रदेश सरकार 12,000 से ज़्यादा, लगभग 13,000 के आसपास सरकारी स्कूल बंद करने वाली है, जहां 0 से लेकर 20 तक के विद्यार्थी। दूसरा, आप लोग इससे वाकिफ होंगे कि नीति आयोग 2018 को एक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में 40,000 स्कूलों को बंद कर दिया। इसका तर्क है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं और जो शिक्षकों को हम दे रहे हैं उसका आउटकम वो नहीं आ रहा है। यह एक तरह का बाजारवादी दर्शन है, यह लोकतंत्र का दर्शन नहीं है। लोकतंत्र की सेहत को पहचानने के लिए ये ज़रूरी है कि आप यह देखें कि लोकतंत्र नियंत्रित किससे हो रहा है। जो गवर्न्ड हैं, जो शासित हैं, जो जनता हैं, उनके हितों से गवर्न्ड हो रहा है, शासित हो रहा है, अथवा उनसे शासित हो रहा है जो बाजारवादी ताकतें हैं। ये इनपुट और आउटपुट का जो पूरा चक्कर है वह निश्चित रूप से हमारे सामाजिक लोकतंत्र का जो हिस्सा है उससे वो प्रेरित नहीं हो रहा है। इसमें याद करने की ज़रूरत है बर्टन रसल को। बर्टन रसल ने कहा कि मान लीजिए कि एक किसी पहाड़ के छोटे से टापू पर कोई आदिवासी समुदाय के कुछ लोग रह रहे हैं या एकल लोग रह रहे हैं, और वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि शताब्दियों से उनका वही बसेरा है, तो यह लोकतंत्र का कंसर्न होगा कि वो वहाँ पर बिजली और पानी की सुविधा पहुँचाए, या वह बाजारवादी समाज का सरोकार होगा कि वो पहुँचाए। अगर बाजारवादी का सरोकार के अगर हिसाब से देखें तो वह इनपुट और आउटपुट के हिसाब से सब देखेगा तो उसके लिए यह बहुत ही आत्मघाती किस्म का बिजनेस होगा और वो वहाँ रुचि नहीं लेगा। उनको फोर्स करेगा कि आप नीचे आ जाइए या बिजली और पानी के बगैर रहिए जैसे कि आप रहते आए हैं। यह लोकतंत्र का ही सरोकार है जो प्रॉफिट और मुनाफे को एक तरफ रखकर यह देखेगा कि अगर वो वहाँ रहती आई है तो उनके नेचुरल हैबिटेट को बिना डिस्टर्ब किए, उनके प्राकृतिक संसाधन में उनके रहने के अपने हक को बिना डिस्टर्ब किए, और लागत और जो है उसको क्या कहते हैं आउटकम को ध्यान में रखे बगैर वहाँ बिजली और पानी पहुँचाया जाए। ये जो स्कूलों में रैशनलाइजेशन के नाम पर हो रहा है, नाम बहुत अच्छा अच्छा रखते हैं,
बाजारवादी दर्शन और नव उदारवाद की खासियत ये है कि वो नाम बहुत अच्छा रखते हैं, जैसे स्कूलों के मर्ज को करने को, आस के पड़ोस के किसी बड़े स्कूल में मर्ज करने को उन्होंने नाम रखा युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। ये इस तरह से स्कूलों को बंद कर रहा है, यह बताता है कि हमारे स्कूल का स्वास्थ्य किधर की ओर जा रहा है, लोकतंत्र की ओर जा रहा है या कि वो जा रहा है बाजारवादी ताकतों के आधार पर। निश्चित रूप से बाजारवाद का जो सरोकार है वह लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसका गला ही घोटता है। दूसरा पैमाना इसको देखने के लिए ये है कि आप ये देखें कि करिकुलम का के क्षेत्र में क्या हो रहा है। करिकुलम में निर्णय जो ज्ञान क्या होगा, किसका होगा, किस लिहाज से होगा, किस दृष्टिकोण से होगा, उसको निर्धारित करने वाला कौन है, कौन तय कर रहा है? वो लोग जिनको खुद पढ़ना है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, या कोई केंद्रीयकृत संस्थाएं? पिछले वर्षों में आप लगातार, पिछले दशकों में 90 के बाद लगातार आप देखेंगे कि करिकुलम को निर्धारित करने का काम लगातार केंद्रीयकृत होते हुए ताकतों की ओर जाता जा रहा है, जिसका केंद्रीकरण हो रहा है, उनकी तरफ जाते जा रहा है। आप देखेंगे इसका प्रमाण ये है कि 2000, मैं कुछ उदाहरण से आपको कहूँगा कि किस प्रकार लोकतंत्र घुट रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे कि 2001 में एक किताबें हिस्ट्री में चला करती थी, बहुत पुरानी पीढ़ी की, रोमिला था पर सतीश चंद्र का, और उसके बाद आधुनिक में विपिन चंद्रा का, तो उन किताबों को लेकर के अर्जुन देव का, उन किताबों को लेकर 2001 में सर्कुलर आया कि इन इन हिस्सों को करिकुलम से, पाठ पुस्तकों से अचानक हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ समूहों को आपत्ति थी, उनकी अस्मिताओं को वो ठेस लग रहा था। निश्चित रूप से यह विमर्श जनता के बीच से नहीं उभरा था, कुछ एक तरह के संगठित क्षेत्रों से उतरा था जो कि एक पॉलिटिसाइज मामला कर रहे थे, और उन्होंने इस करिकुलम को बदल दिया। और उस अंश को जो अभी तक पढ़ाया जा रहा था, बीच सेशन में एक सर्कुलर के आधार पर बदल दिया गया, और पता नहीं चला लोगों को कि आखिर ये हुआ क्या, इसमें दिक्कत क्या थी। न टीचर को न विद्यार्थियों को, अचानक वो किताबें हैं जिसमें वो अंश हैं, पर उन किताब उस अंशों को छूना नहीं है। आप ऐसे उदाहरण करिकुलम में लगातार बढ़े देखते जाएंगे जिसमें केंद्रीकृत होती हुई सत्ता ने बिना किसी के विमर्श के आधार पर उनको वापस कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि कृष्णचंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध जामुन का पेड़, जो नौकरशाही पर व्यंग करता हुआ एक पूरी कहानी थी कि कैसे ब्यूरोक्रेसी में फंसा हुआ जो व्यवस्था है वह एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाता है और वो ब्यूरोक्रेसी में लिपट के रह जाता है, उस पार्ट को हटा दिया गया। आपने देखा होगा कि CBSE में अचानक जो है उनके पाठ्यक्रम को कम करने, पाठ्यक्रम के भार को पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उनके लोड को कम करने के लिए वो हिस्सा 30% हिस्सा कम कर दिया गया। और वो हिस्सा देखेंगे आप तो आप देखेंगे लोकतंत्र का है, डेमोक्रेसी का है, अधिकारों का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, फंडामेंटल राइट्स का है, तो आप देखेंगे कि इसमें भी कोई कंसल्टेंसी, कोई विमर्श नहीं हुआ। लगातार बढ़ती हुई केंद्रीकृत सत्ताएं कंसेंसस लेती तो हैं कई बार, पर वह कंसेंसस को इंजीनियरिंग करने के लिए लेती हैं, वो वैधता प्रदान करने के लिए लेती हैं, करना उनको वही होता है जो वो तय कर लिए होते हैं, पर केवल कंसेंसस को इंजीनियर करके और वैधता प्रदान करने के लिए उसको लेते हैं। आपने देखा होगा कि 2000 से 2005 के बीच करिकुलम में बहुत हलचल हुआ, कई पाठों के संदर्भ में हुआ, धूमिल के संदर्भ में हुआ, पास के संदर्भ में हुआ, मोचीराम कविता धूमिल को लेकर के हुआ, लेकिन इसमें संसद में कुछ बहस चली पर उसके बावजूद भी बृहत्तर कोई कंसेप्ट नहीं लिया गया,
अंबेडकर के पॉलिटिकल साइंस में चित्रों को लेकर हुआ, लेकिन इसमें व्यापक जिनको पढ़ाना है और जिनको पढ़ना है इनके विमर्श के बगैर ये सब फैसले वापस लेने के, नए पाठों को इंट्रोड्यूस करने के, इस पाठ को हटाकर जैसे प्रेमचंद के एक समय में प्रेमचंद के कहानी को हटाकर ज्यू मेहंदी का रंग लगा दिया गया, तो आप देखेंगे कि करिकुलम पर भी लगातार एक केंद्रीयकृत सत्ता पकड़ बना रही है। ये बताता है कि हमारे स्कूली ज्ञान का जो चरित्र है वह लगातार दो तरह के फोर्स से निर्धारित हो रहा है। एक तो फोर्स है बाजारवादी और दूसरा फोर्स है उसका केंद्रीकृत सत्ताएं। इसलिए आप अगर आप देखेंगे केंद्रीकृत सत्ताओं का, अगर जो कि आज हमारा विषय का मुख्य केंद्र है, वह है विद्या स्कूली ज्ञान का लोकतंत्र, यानी कि स्कूली ज्ञान में किनकी आवाज़ों को शामिल किया गया है और किनकी आवाज़ों को दरकिनार कर दिया गया है, किनकी आवाज़ों को दरकिनार किया गया है, किनको बड़े मिमियाते हुए तरीके से किया गया है और किनको बहिष्कृत कर दिया गया है। अगर आप यह ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूली जो ज्ञान है उसका लोकतंत्र जो है कितना सिकुड़ता आ रहा है। कुछ डेटा मैं आप लोगों के सम्मुख रखूंगा ताकि चित्र साफ हो जाए। आप देखेंगे कि मैंने अध्ययन किया 2000 एक करिकुलम आया था 2000 में और एक करिकुलम आया 2005 में। अगला करिकुलम प्रतीक्षित है जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके आधार पर, लेकिन पिछले दो करिकुलम के आधार पर यानी कि 2000 पाठ्यचर्या और 2000 और 2005 की पाठ्यचर्या के आधार पर मैंने हिंदी के किताबों का अध्ययन किया 9 10 11 12 दो पीढ़ियों का किताब, यानी कि एक 2000 के पाठ्यचर्या पर आधारित और दूसरा 2005 की पाठ्यचर्या पर आधारित हिंदी की किताबें कक्षा 9 से 12 तक 9 10 11 12 चार कक्षाएं 2000 दोनों का ही 2005 का और 2004 का मैंने यह देखने के लिए किया कि लोकतंत्र की स्थिति क्या है, किनकी आवाज़ें शामिल की जा रही हैं, किनकी लड़ाइयां शामिल की जा रही हैं, किनके संघर्ष शामिल किए जा रहे हैं, किनके दुख दर्द शामिल किया जा रहा है, किनके हीरोज शामिल किए जा रहे हैं, किनकी हार शामिल किया जा रहा है, किनकी ऐतिहासिक स्मृतियों को शामिल किया जा रहा है, किनकी विडंबनाओं को शामिल किया जा रहा है, किनकी तड़प को शामिल किया जा रहा है और किसको दरकिनार किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक के संदर्भ में अगर एक कैटेगरी माना जाए कि अल्पसंख्यक से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनके जीवन दृष्टि से संबंधित, उनके त्योहारों से संबंधित, उनके रहन सहन से संबंधित, उनकी समस्याओं से संबंधित, उनकी तकलीफों से संबंधित पाठ कितने हैं, तो मैंने देखा कि अल्पसंख्यक मुद्दे पर दोनों ही, जो अल्पसंख्यक का मुद्दा है, जो आप जानते हैं कि 2005 का जो करिकुलम बनाया था उसमें पोजीशन पेपर भी आया था और उस पोजीशन पेपर पर ये अल्पसंख्यकों के लिए और एसटी एससी के लिए अलग से एक फोकस देने की बात की थी क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में इनकी आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म किया गया है। बावजूद इसके भी कक्षा 9 से लेकर 12 तक न तो पाठ्यचर्या 2000 के किताबों में और न ही पाठ्यचर्या 2005 की किताबों में एक भी पाठ हिंदी की किताबों में नहीं दिखाई देता जो अल्पसंख्यक मुद्दे को केंद्र में रखकर लिखता, उनको रिप्रेजेंट करता। आखिर लोकतंत्र का एक मायने प्रतिनिधित्व है और प्रतिनिधित्व, गुणात्मक प्रतिनिधित्व उसका एक प्रमुख मुद्दा है कि उनकी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, उनको शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी रचना शामिल नहीं है, न 2000 की पाठ्यचर्या पर आधारित किताबों में, न 2005 की किताबों में यह स्थिति बन रही है। अगर हम देखें विशेष आवश्यकता वाले, इनके नाम भी बहुत तरह तरह के हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
उस समय के विमर्श शायद वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 उसको दूसरे तरह से प्रेजेंट करता है। लेकिन आप कह लें विशेष आवश्यकता वाले, आप कह लें स्पेशल नीड्स वाले विद्यार्थी, तो आप देखेंगे कि इन्हीं 2000 की पाठ्यचर्या में एक भी कोई ऐसा पाठ नहीं है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जीवन के संबंध में, उनके संघर्षों के संबंध में, उनकी अनुभूतियों के संबंध में, शेष समाज से उनके इंटरेक्शन के संबंध में कुछ भी कहता हुआ कोई भी पाठ, उनके उनके प्रति संवेदित करने वाला, उनके बारे में कुछ भी कहने वाला एक भी पाठ आपको 2000 पर करिकुलम पर आधारित किताबों में आपको दिखाई नहीं देता है। 2005 में एक पाठ है क्लास 9 से 12 के बीच में, और वो रांगे राघो का है गुंगा, और वो पाठ बहुत संवेदनशील पाठ है। निश्चित रूप से रांगे राघो एक श्रेष्ठ शिल्पकार और श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं, उनकी एक कहानी मिलती है क्लास 9 से लेकर 12 तक में, और आप देखेंगे कि दो पीढ़ियों की किताबों में 2000 और 2005 में 9 से 12 तक हिंदी की किताबों में विशेष आवश्यकता के बच्चों के संबंध में एक भी पाठ दिखाई नहीं देता है, सिवाय 2005 में रांगे राघो का गूंगा के संदर्भ में। अगर आप देखें कि गद्य विधा में दलितों की स्थिति क्या है, दलित लेखक कितने हैं, तो आप दिखाई देगा कि 2000 की किताब में एक ही दलित लेखक हैं, और 2005 की किताब में 9 से 12 हिंदी के उसमें भी एक ही दलित लेखक हैं, और दोनों लेखक एक ही हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेकिन इसमें भी बड़ी होशियारी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि 2005 में जो शामिल हैं उसमें एक उनका ऐसा लेख है जिसका संबंध दलितों से कुछ नहीं है, जिसका संबंध दलित पीड़ा से नहीं है, जिनका संबंध उनके जातीय उत्पीड़न से नहीं है, एक मजदूर और मजदूरी उत्पीड़न और उसमें एक जाति का समीकरण उससे है। 2000 में जरूर एक है जूठन से वह अंश लिया गया है, दो पैरा है उसमें, एक पैरा में अंबेडकर के द्वारा उत्पीड़न महसूस किए गए, उनके तड़प, उनके प्रति अत्याचार का की चर्चा है, और दूसरे पैरा में सवर्णों के द्वारा किस प्रकार उनको मदद मिली वो उनको उसमें दिखाया गया है। दोनों पैरा लगभग उतना ही समय दिया गया है, उतना ही पंक्तियां लगभग खर्च किया गया है, लेकिन उसका क्रम अगर आप देखें तो क्रम पहले जातीय उत्पीड़न का है, और दूसरा क्रम जो है उसका ये है कि सवर्ण जाति कैसे बदल रही है और उनका व्यवहार कैसे बदल रहा है, ये उस पर जाता है। अगर आप किताब बंद करें और इस क्रम की राजनीति को समझें तो आप देखेंगे कि एक समय में लग रहा है हाँ पहले खंड में तो लग रहा है कि जातीय उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन दूसरे खंड में आते आते ऐसा लग रहा है कि अब वह उत्पीड़न नहीं रहा क्योंकि सवर्ण बदल रहे हैं और उनका अब व्यवहार बदल रहा है। किताब अगर आप बंद करेंगे इस चैप्टर करने के बाद तो आपकी स्मृति में उत्पीड़न वाला हिस्सा नहीं रहेगा, ये लगने लगेगा कि आप एक अच्छी स्थिति में। तो आप देखें कि अगर पाठ्य पुस्तकों में जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक की संस्कृति है, भारतीय स्कूली व्यवस्था की संस्कृति पाठ्य पुस्तक की संस्कृति है, कैरिकुलम का बहस, पाठ्यचर्या का बहस 2000 और 2005 के बाद और अब नए के संदर्भ में जब वो आ रहा है तो लोगों की नज़र है, लेकिन इसके पहले पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम को कोई नहीं देखता था। पाठ्य पुस्तक ही पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक ही पाठ्यचर्या है, और पाठ्य पुस्तक ही ली जाने वाली परीक्षाओं का मुख्य केंद्र है, ऐसा एक संस्कृति बनी हुई है। इसलिए पाठ्य पुस्तक इम्पॉर्टेंट है कि पाठ्य पुस्तकों में आप देख रहे हैं कि न 2000 की और न 2005 की, 9 से 12 तक चलने वाली हिंदी की किताबों में दलितों का, अल्पसंख्यकों का, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का कोई जगह है। अब एक अगली कसौटी अगर लेते हैं जो कि लोकतंत्र का एक कसौटी है, जो कि एक व्यापक कसौटी है, कि जन साहित्य का क्या स्थान,
तो आप देखेंगे कि 68% जो हिस्सा है वह जनता की किसी जनता की समस्याओं से नहीं है। 2000 की बात कर रहा हूँ और 2005 में लगभग 58 के आसपास है, 10-15% का अंतर है। तो आप देखेंगे कि एक तरह का कॉर्पस बना हुआ है, लेखकों का एक तरह का कॉर्पस बना हुआ है कि निराला कितनी बार आएंगे, कितनी बार पंत आएंगे, सबसे ज़्यादा बार पंत आए हैं 9 से 12 तक की किताबों में, उसके बाद निराला का स्थान है। तो एक लेखकों का एक पूरा क्रम है, चाहे 2000 का मामला हो या 2005 का मामला हो, सबके पास एक तयशुदा मायने हैं कि अगर मैं भक्तिकाल उठाता हूँ तो इनको लूँगा, अगर मैं रीतिकाल उठाता हूँ तो इनको लूँगा, अगर मैं प्रगतिशील को उठाता हूँ तो इनको लूँगा, और अगर प्रयोग धर्मिता को उठाता हूँ तो इनको लूँगा। तो इस प्रकार से एक कॉर्पस तय है, जन साहित्य लिखने वाले लोगों का उसमें पहचान नहीं है। आप देखेंगे 2000 से 2005 में वही नाम जो आप भी अपने बचपन में पढ़ते आए होंगे, वो नाम आपको रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। उनकी रचनाएं आप देखेंगे कि उनकी रचनाएं जो हैं थोड़ा बदल जाती हैं, लेकिन वो रचनाएं उसी तरह का है। जन साहित्य का कोई उसमें पैमाना नहीं है, और यह दर्शाया भी नहीं है नमूने के तौर पर। एनसीईआरटी की किताबों की बात मैं कर रहा हूँ, 2005 और 2000 की, नमूने के तौर पर भी उसने यह नहीं दिखाया, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों को माना कि वह नमूना पेश करता है, एक मॉडल पेश करता है स्टेट को अपना बताने के लिए कि किताबें कैसी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जन साहित्य उसमें से गायब है। जो पीड़ा आप देखते हैं कि वाई आई एम नॉट हिंदू में कांचा इलैया का है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ने को मिलता है उसमें हमारा इतिहास, हमारे लोग, हमारे हीरो, हमारे देवता, हमारे जीवन शैली, हमारे त्यौहार, हमारे तौर तरीके एकदम से नहीं हैं, और वो पाठें हमें वैसे ही अजनबी लगती हैं, तो हमें कालिदास वैसे ही अजनबी लगते हैं जैसे कि शेक्सपियर अजनबी लगते हैं। तो वो स्थिति जब वो पढ़ रहे थे तब की है, और आज की स्थिति 2000 और 2005 पर बनी हुई किताबों की ये स्थिति है। जनता का साहित्य जो जनसाधारण के बीच में लिखा जा रहा है उसका प्रतिनिधित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तरह का आप देखेंगे कि जकड़ जामा है, जो भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास में मान्यता प्राप्त कवि और लेखक हैं, गद्यकार हैं, उनसे बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। और चूंकि वह एक स्टैंडर्डाइज्ड है, आप जानते हैं कि लोकतंत्र की सेहत को पहचानने के लिए एक मानक यह है कि चीज़ों का मानकीकरण आप जा केंद्रीयकरण और मानकीकरण कर रहे हैं, या चीज़ों का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं और जनता को निर्णय लेने का फैसला दे रहे हैं। अगर स्कूलों के ज्ञान के संदर्भ में आप देखें तो यह लोकतंत्र ऐसा सिकुड़ता हुआ है कि जनता का साहित्य अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, वो नहीं प्राप्त कर रहा है। आप जानते हैं कि दलित लेखन इस समय में कितना उभर कर आया है। दलित लेखन एक तरह से अब अपने पहचान और अस्मिता की लड़ाई में नहीं है, बल्कि वह एक मुख्य धारा का साहित्य बनने जा रहा है। गैर दलित लेखक भी इस बात को अच्छी तरह जान रहे हैं कि ये सरोकार एक तरह का लोकतांत्रिक सरोकार है, और अपनी लेखनी में भी दलित पीड़ा को, दलित जीवन को, दलित दर्शन को, दलित उत्साह को, दलित स्मृतियों को उभार कर ला रहे हैं, और वो चर्चा में भी उनकी रचनाएं आ रही हैं। लेकिन वो दलित साहित्य जब पाठ्यपुस्तक में आता है तो उसका लोकतंत्र का परिसर इनके लिए बंद हो जाता है, दलितों के लिए नहीं। अगर महिलाओं का भी अगर आप देखें कि महिलाओं का क्या प्रतिशत है, तो आप देखेंगे 9 से 12 तक में गद्य विधा में, अगर गद्य में कहूँ तो लगभग 10.5% ही महिला केंद्रित पाठ हैं 2000 पर जो किताबें बनी थी, और 2000 में 5 में थोड़ा बढ़कर वह 15 point something हो जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। दलित केंद्रित की बात आपसे मैं कर चुका हूँ, अल्पसंख्यक की बात कर चुका हूँ। तो अगर हमारे स्कूली ज्ञान के परिसर में न दलितों का प्रवेश हो रहा है, उनकी रचनाओं का, उनके मुद्दों पर लिखी हुई चीज़ों का,
न अल्पसंख्यकों का प्रवेश हो रहा है, न अगर उनका प्रवेश हो रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, तो आप समझ सकते हैं कि स्कूली ज्ञान का चरित्र कितना केंद्रीकृत है और कितना एक तरह से आप कहें कि जिसको डोमिनेंट कल्चर, जिसको वर्चस्वशाली संस्कृति कह सकते हैं, उसके गिरफ्त में है। 2005 का करिकुलम जब बन रहा था उस समय पोजीशन पेपर भी आया था और उसने दो पोजीशन पेपर अलग निकाले थे। आपको ध्यान होगा, आप लोग सब जानकार और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, विशेष आवश्यकता पर अलग पोजीशन पेपर था, महिलाओं पर अलग पोजीशन पेपर था और दलितों पर अलग पोजीशन पेपर था। और वो कहता है कि पाठ्य पुस्तकें आज तक इसके गिरफ्त में रही हैं, सवर्ण और वर्चस्वशाली पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी मनोवादी वर्चस्व में रही हैं, इनको पलटना बहुत ज़रूरी है और दलित दृष्टिकोण से लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है और यह लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए अगर आप देखें तो US में भी जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में जो नेचुरल जो एक डिसास्टर आया था जहां वो गरीब ब्लैक्स रहते हैं, वो उसको नेचुरल डिसास्टर करके पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जा रहा था कि यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें इतने भारी सारे लोग जो मड स्लाइड हुआ उसमें दब के मर गए और अपना जीवन खो दिया। तो वहाँ पर सवाल, एक लोकतांत्रिक सवाल उठता है कि इस तरह के पाठ को पढ़ाने का क्या मतलब है। यह पाठ आप बहुत ही केंद्रीकृत दृष्टिकोण से और एक खास शासक वर्ग के दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि वो गरीब लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, उनको रहने की स्थितियां नहीं हैं और वो ढकेल कर और उस तरह की जगहों पर रहने के लिए बाध्य हो गए हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए निहायत खतरनाक जगह है, और जरा सा वहाँ पर कुछ आने पर इतना विनाशकारी प्रभाव होता है, उसको आप प्राकृतिक आपदा की तरह पढ़ा रहे हैं। तो सवाल ये है कि लोकतंत्र का मायने है कि हम यह एक लेंस लेकर चलें कि किसकी दृष्टिकोण से क्या पढ़ाया जा रहा है और क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या उभर कर आ रहा है। आप देखेंगे कि और इस तरह के आप टेंडेंसीज को देखेंगे कि किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों में आलोचनात्मकता को दरकिनार किया जा रहा है। आलोचनात्मक पर एक अभी पाठ है कठपुतली, क्लास 6th या 7th में है NCERT 2005 के आधार पर, भगवती चरण वर्मा की है संभवतः, मैं भूल रहा हूँ तो मेरे दोस्त याद दिला देंगे, भगवती चरण वर्मा का ही है, उसमें कठपुतली है, हो सकता है मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर वो कठपुतली है। कठपुतली में दिखाया गया है कि किस प्रकार से दुनिया कठपुतली हो रही है और दूसरों के इशारों पर नाच रही है, लेकिन चूंकि कठपुतली एक स्त्रीलिंग शब्द है के रूप में वहाँ व्यवहृत हुआ है और कठपुतली एक खेल के से भी एसोसिएटेड हो गया है, इसलिए जितने सवाल बनाए गए हैं वह कठपुतली के संदर्भ में बनाए गए हैं, उसको बृहत्तर मानवीय परिदृश्य में दिखाया नहीं गया है कि कठपुतली का मतलब सामान्य जन है, कठपुतली का मतलब वो सामान्य जनता है जिनको बृहत्तर वर्चस्वशाली संस्कृति में अपने हितों के लिए जिनका शोषण किया जा रहा है और कठपुतली का नाश दिखाकर और अपने लिए फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनकी अपनी इच्छा नहीं है, एजेंडा नहीं है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का जो विपक्ष है, लोकतंत्र यानी लोकतंत्र का उलट जो अलोकतांत्रिक समाज है, उसमें अलोकतांत्रिक समाज में जो एजेंडा तय किया जाता है उसमें एजेंडा ऊपर की ताकतें तय करती हैं, लोगों से वो एजेंडा तय नहीं करवाया जा सकता। यही औपनिवेशिक शासन की भी विशेषता थी कि एजेंडा वो तय करेंगे, लक्ष्य वो तय करेंगे और आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसलिए आप अगर देखेंगे कि करिकुलम के संदर्भ में, जो कि मैंने अपना चर्चा किया कि जो निर्णय लिया जा रहा है, हाँ कामराजू ने लिखा है शुक्रिया भवानी प्रसाद मिश्र, मुझे सही ही याद था, और सातवीं कक्षा भी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि छठी या सातवीं में, आप देखेंगे कि वही है। तो
आप देखेंगे कि वो पाठ्य पुस्तक कठपुतली से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र में जो मुद्दे तय होते हैं, वो जो गवर्न्ड हैं, जो शासित हैं, वो मुद्दे तय करते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र का नाम है पॉलिटिकल रेटोरिक के तौर पर, तो वह लोकतंत्र नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार केंद्रीय सत्ताएं उभर रही हैं, लगातार केंद्रीय ताकतें उभर रही हैं। करिकुलम में जो आरंभिक बाल्यावस्था और शिशु देखभाल का जो करिकुलम है, जो कि एक बहुत ही शुरुआती करिकुलम है, उसको भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा रहा है। वो भी अब एक तरह के नेशनल बॉडीज के अधीन हैं। सेकेंडरी करिकुलम नहीं छोड़ा जा रहा है, और मार्केट का एक नया ताकत आ रहा है जो कह रहा है कि फिलेंथ्रोपिक जो एजेंसीज हैं वो एडिशनल किताबें तैयार करेंगी। बड़ा क्रांतिकारी विचार है। विचार तो ये है कि शिक्षकों को एक मेन टेक्स्ट दिया जाएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बनाएगा, और दूसरे एडिशनल किताबें भी दी जाएंगी। पर एडिशनल किताबें कौन तय करेगा? एडिशनल किताबें फिलेंथ्रोपिक एजेंसीज के एजेंसीज से बनवाया जाएगा और वो किताबें तय करेंगी। आप जान लें कि ये तो स्टेट का हालत है, नेशन स्टेट का। जो एनसीईआरटी की किताबें बन रही हैं उसमें अल्पसंख्यकों का आवाज़ गायब है, उसमें दलितों का आवाज़ गायब है, महिला मुद्दे पर लेखन गायब है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर लेख गायब हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थितियां क्या होंगी जब फिलंथ्रोपिक एजेंसीज आएंगी और उन किताबों को बनाएंगी, तो वह निश्चित रूप से मार्केट और बाजारवादी वर्चस्व से प्रभावित होंगी। लोकतंत्र के एक और स्कूली ज्ञान के लोकतंत्र को तलाशने का एक और पैमाना है कि परीक्षण का मानकीकरण। आपको परीक्षण का मानकीकरण, सतत परीक्षण और परीक्षण का मानकीकरण, जैसे आईएसआई मार्का होता है, वह चीज़ों को तय करता है कि यह गुणवत्ता वाली जिसमें आईएसआई मार्का लगेगा या एग मार्का लगेगा, वो बढ़िया उत्पाद होगा, वह उत्कृष्ट उत्पाद होगा, वह श्रेष्ठ उत्पाद होगा। वैसे ही अब करिकुलम के संदर्भ में, टेस्टिंग के संदर्भ में स्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है। उसके लिए एक तरह की बॉडीज का निर्माण हो जा रहा है, किया जा रहा है, जो टेस्टिंग की ही बॉडीज होंगी और जो कि मानक सुझाएगा, और उन मानकों के आधार पर सबका मूल्यांकन किया जाएगा। आप देखें पिछले समय में किस प्रकार की संस्थाएं उभर रही हैं स्कूलों को लेकर के, एक्रीडेशन की, विश्वविद्यालय तक में एक्रीडेशन की, जो कि ग्रेड देखती हैं आपकी गुणवत्ता के आधार पर, ये है, ये है, ये है, वो है, आप देखकर, और वो मानक ऊपर से तय आकर होता है, आपसे निगोशिएट करके नहीं होता। जो संस्थाएं खुद लगी हुई हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनसे बातचीत नहीं होता कि आपने किन संसाधनों से शुरू किया, किन मुश्किलों में शुरू किया, किन दुविधाओं में शुरू किया, और कैसे आप इन दुविधाओं से निकलते हुए कितना बड़ा सफरनामा सफलता का शुरू किया, ये बात नहीं की जाती। उनके प्रयासों को नहीं देखा जाता है, उनके संघर्षों को नहीं देखा जाता, उनके विफलताओं को नहीं देखा जा सकता, उनके विफलताओं से बाहर निकलकर संघर्ष करने को नहीं देखा जाता। उनके यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो पहले कहाँ पर थे और अब कहाँ पर पहुँच गए, ये नहीं देखा जाता। उनसे बिना बातचीत का एक सेट स्टैंडर्ड होता है टेस्टिंग का, और वो आप पर लगा कर देख लेते हैं, वो है तो आप लगातार, आप जो हैं इस ग्रेड के हैं, वो नहीं हैं, उसमें कमी है, तो आप इस ग्रेड के हैं। नेशनल एक्रीडेशन की संस्थाएं, नेशनल टेस्टिंग की संस्थाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लगातार केंद्रीकरण हो रहा है स्कूली शिक्षा के संदर्भ में भी। ये आपने याद होगा कि जब 1986 की रामामूर्ति समिति की रपट आई थी, तो उसमें जिसको राममूर्ति समिति कहते हैं, नमस्कार नवल जी, राममूर्ति समिति के रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें कहा गया कि जो पढ़ाएगा वही करिकुलम तय करेगा और वही उसका मूल्यांकन भी करेगा, क्योंकि उसको ठीक ठीक पता है कि ये क्या पढ़ाया जाना चाहिए अपने विद्यार्थी के अनुसार। आप देखते हैं कि प्रगतिशील संघर्षों से, प्रगतिशील मुद्दों से शिक्षा में एक विमर्श खड़ा हुआ, वो बाल केंद्रीयता का है,
संदर्भ का है कि चीज़ें समाजो संस्कृति से लैस होनी चाहिए, उसमें सनी होनी चाहिए। इस सिद्धांत को भी लगातार खारिज किया जा रहा है। आप देखेंगे कि समाजो संस्कृति, अगर आपको यह सिद्धांत वाइगोट्स्की का सिद्धांत मानना है कि उन्हीं में बच्चे ज़्यादा पेवस्त हो पाते हैं जो उनकी संस्कृति से, उनके समाज से, उनकी समस्याओं से, उनके संघर्षों से, उनकी विफलताओं से, उनके हीरो से, उनकी स्मृतियों से जुड़ी हुई होती हैं, उस पर पाठ्यचर्याओं से वो जुड़ते हैं और इस तरह से भाषा भी सीखते हैं और भाषा से संघर्ष भी सीखते हैं, विकल्प भी सीखते हैं। लेकिन अब यह विमर्श पीछे के गेट से हटा दिया गया है। समाजो सांस्कृतिकता का अब वह विमर्श इस तरह से पीछे से हटाया गया है कि जब टेस्टिंग स्टैंडर्डाइज्ड होगा तो फिर समाज गतिता का, संदर्भ गतिता का मामला आएगा कहाँ? संदर्भ बनेगा कैसे? जन साहित्य जब नहीं होगा, जब दलितों का साहित्य नहीं होगा, जब अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ नहीं होगा। एक अजरा रज्जाक ने लेख लिखा था ग्रोइंग अप एज ए मुस्लिम, ऐसे में ये नया टेक्नोलॉजी यह भी, पहले तो प्रिंसिपल या टीचर इजाज़त देते हैं, अब नया टेक्नोलॉजी इजाज़त देता है कि आप वो आगे बढ़ेंगे या नहीं। मेरे पास 2-3 मिनट का समय रहा ताकि आपसे हम आगे की बातचीत जारी रखें। मुझे लगता है कि 5:45 तक का समय, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, बीच में रिडायरेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन आप दें, अब मेरा समय हो गया है, 5:45 तक का समय दिया गया था तो वो समय हो गया है। अगर क्वेश्चन अगर मैं पढ़ पाऊँगा तो मैं उसका आंसर कर सकता हूँ। देवेंद्र जी, यही व्यवस्था है ना? हाँ जी, बहुत तंग कर रहा है। क्वेश्चन दिखाइए चैट पर। क्वेश्चन दिख नहीं रहा। तो क्या इसे अब समापन की ओर माना जाए? देवेंद्र जी, आपका कुछ आया नहीं, कोई टिप्पणी? क्या अब इसको समापन माना जाए? क्वेश्चन नहीं है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं चैट बॉक्स में, अच्छा सर, नई शिक्षा नीति में आपको क्या या सबसे बड़ी खूबी या कमी लगी? खूबी, ये इनका प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है सर, कारण है कि हिंदी की किताबों में दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के समाज और संस्कृति और साहित्य में न के बराबर मिलता है। सभी सरकारें पाठ्य पुस्तकों से खिलवाड़ क्यों करती हैं? अब मैं 2-3 सवालों को ले रहा हूँ। सभी सरकारें पाठ्य पुस्तकों से खिलवाड़ क्यों करती हैं? सवाल ये है कि अगर आप पार्टीज़ के संदर्भ में देखें तो आप ये देखेंगे कि पार्टी वैचारिक मतभेदों के आधार पर है, आइडियोलॉजी के आधार पर है। सवाल ये, सरकार दलित है या सभी पार्टियों में एक तरह की वर्चस्वशाली संस्कृति के लोग वर्चस्वशाली संस्कृति को ही बढ़ाने लिए है? कुछ लोग कह सकते हैं कि ये पाठ्यपुस्तक के लेखन में ऐसी चेतना का विकास अभी नहीं हुआ है कि दलित
दलित के आधार पर पाठ्यपुस्तकों को उनकी आवाज़ शामिल किया जाए, अल्पसंख्यकों की आवाज़ शामिल किया जाए, पर मेरा मन और मेरा विश्लेषण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको इतनी मासूमियत का फ़ायदा नहीं देना चाहती, लेकिन चूंकि वर्चस्वशाली संस्कृति सब में शामिल है और यह स्वयं ज्ञान शास्त्र पर शामिल है, इसलिए उस वर्चस्वशाली संस्कृति को तोड़कर जनसाधारण का साहित्य, दलित का साहित्य, महिला का साहित्य वो देने में उनकी कोई रुचि नहीं है। और बहुत लोगों का, विद्वानों का मानना है कि यह केवल स्वचेतना या आत्म प्रेरणा या आत्म जागरण से नहीं होगा। जब तक से दलित, जब तक से अल्पसंख्यक, जब तक से बहुजन अपनी आवाज़ को ज्ञान के लिए भी पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, उसको ज्ञान का एजेंडा भी जब तक से नहीं बनाएंगे राजनीति में, ज्ञान भी एजेंडा नहीं और ज्ञान का चरित्र भी जब तक से एजेंडा नहीं बनेगा ज्ञान के चरित्र को, तब तक से ये पाठ्य पुस्तकों की संस्कृति में छौंके और तड़के की तरह एकाध दो पाठ्य किसी तरह शामिल तो किया जा सकता है, पर उसका चरित्र नहीं बदला जा सकता। ये साबित करते हैं विभिन्न सरकारों की समय में बनी हुई किताबें कि सब में वर्चस्वशाली संस्कृति का हित, सबका सभी पार्टियों का वर्चस्वशाली हित संस्कृति में ही हित है और इसलिए वह चुनौती नहीं हो रहा है। जिस प्रकार राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक राजनीतिक संघर्ष चला अलग अलग पार्टियों के जरिए, उसी तरह से पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान के चरित्र को बदलने और ज्ञान के चरित्र में भागीदारी के लिए अगर उसको संघर्ष नहीं चलाया जाएगा, उसका दबाव नहीं माना, आत्म प्रेरणा कोई तरह किसी तरह की आध्यात्मिकता के बदौलत नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में है, अभी उसका विश्लेषण करना बाकी है, लेकिन एक मौजूद सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैंने जो पैमाने बताए हैं स्कूली लोकतंत्र को पहचान करने के लिए, जैसे केंद्रीकरण, जैसे पाठ्य पुस्तकों का नियंत्रण, केंद्रीकृत संस्थाओं का उभार कितना है, केंद्रीकृत संस्थाएं घट रही हैं या केंद्रीकृत संस्थाएं बढ़ रही हैं, पाठ्य पुस्तकों पर नियंत्रण घट रहा है या पाठ्य पुस्तकों पर नियंत्रण बढ़ रहा है, टेस्टिंग जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है, जो मानकीकृत परीक्षण है, वह परीक्षण घट रहा है और उसका अधिकार शिक्षकों और विद्यार्थियों और अभिभावकों तक जा रहा है, उसके परिसर तक जा रहा है, या वो और सिकुड़ते हुए, बढ़ते हुए क्रम में सिकुड़ रहा है। आरंभिक बाल्यावस्था से लेकर विश्वविद्यालय तक आप देखेंगे कि आपको लगातार प्रमाण इसके मिलेंगे, इस नीति से पहले भी मिलेंगे विश्वविद्यालय में, कि जब आप देखेंगे कि बाजारवादी ताकतों के आधार पर कि फीस अपना बढ़ाइए, अब आप अपना स्वतंत्र हो जाइए, अब जो है MOU स्वाइन होगा, DU के संदर्भ में डूटा ने तो बहुत ये किया कि DU MHRD और UGC के बीच में एक जो है त्रिस्तरीय संधि, तो आप देखेंगे बाजारवादी ताकतों का कितना वर्चस्व बढ़ रहा है। बजाजवादी, ये एक पब्लिक गुड के तरह एजुकेशन को डील किया जा रहा है या एक प्राइवेट गुड की ओर धकेला जा रहा है, ये सब चीज़ें इन पैमानों को लेकर अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जाएंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है जो नई शिक्षा नीति मिली है। अगर आप बना बनाया पैमाना चाहते हैं, मेरा विचार चाहते हैं, तो एक अलग बात है, अगर पैमाना चाहते हैं तो ये अलग बात है कि पैमाना से अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्रीकरण सरक नहीं रहा, जो इतिहास से चलता आ रहा है वो सरक नहीं रहा, पाठ्यपुस्तकों पर नियंत्रण सरक नहीं रहा है, आप देखेंगे टेस्टीकरण की बात सरक नहीं रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। ये जो पैमाने हैं उस पर अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 और 21 को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका संदर्भ क्या है और ये कौन सी ताकतें हैं जिसके आधार पर इसको तय कर रही हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ हिंदी विषय। हाँ, कामराजू ने एक अच्छा सवाल उठाया था वो, और वो मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। शायद मैंने उस कैटेगरी के आधार पर देखा नहीं, लेकिन अब मैं देखूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर या
दक्षिण भारत के, हम कहते हैं कि हम भारत एक राष्ट्र राज्य हैं और हमें विविधता प्रसान होनी चाहिए और हमारा और हम विविधता में एक खूबसूरत देश हैं, तो निश्चित रूप से अगर इस श्रेणी पर मैं याद करूं, अब इस पर कसकर मैंने देखा नहीं है, फिर भी किताबें मेरी स्मृति में हैं, तो पाठ्यपुस्तकें निश्चित रूप से इनके बारे में भी एक तरह की खामोशी की मुद्रा में है, अनजानेपन की मुद्रा में। वहाँ के साहित्य का अनुवाद भी लगभग नहीं है। हाँ, एक भक्ति काल में, भक्ति काल की कुछ कवित्री का, शैव भक्त कवित्री का, एक दो महिला लेखिकों का भक्ति काल की कविताएं जरूर हैं, लेकिन वो भक्ति काल को रिप्रेजेंट करने की वजह से हैं, वह शैव होने की वजह से हैं, न कि इस दर्शन की वजह से कि हमें, चूँकि हम एक राष्ट्र राज्य हैं इसलिए हमारा इस राष्ट्र राज्य के विविधता का परिचय देने के लिए हमारी पुस्तकों को विविध बनाते हुए हमने, देखिए, पूर्वोत्तर को भी आपसे परिचय कराया और हमने जो है दक्षिण भारत को भी परिचय कराया। इस दर्शन से प्रेरित करके नहीं है, वो भी प्रतीकात्मक रूप से एकाद है, लोग जानते हैं जो बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं कि भक्तिकालीन एकाद एक दो महिलाओं को उसमें शामिल किया गया है। मैं और क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हिंदी विषय की अध्यापिका होने के कारण इस विमर्श की आवश्यकता सदैव अनुभव होती है, पर इस विमर्श पर आज भी खुलकर बात संभव नहीं हो पाती। विद्यालय स्वयं ही एक परंपरा पोषित संस्था सा प्रतीत होता है। स्नेह जी, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, और वह क्यों है? अगर स्कूल एक लोकतांत्रिक साइट नहीं है, अगर एक लोकतांत्रिक जगह नहीं है, तो शिक्षक लगातार, यह भी एक बताता है बाजारीकरण और नियंत्रण की तरफ ही बढ़ता हुआ कि शिक्षक कितना एम्पावर हो गए हैं। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920-21 को भी देख सकते हैं कि शिक्षकों को कितना एम्पावरमेंट मिल रहा है। एम्पावरमेंट ज्ञान के चरित्र को निर्धारित करने का, टिप्पणी करने का, असहमत होने का, और ज्ञान के चरित्र से अलग हटकर, मान लीजिए कि एक उदाहरण है जो कि माइकल एप्पल देते हैं कि मैथमेटिक्स के सवाल में वर्ड प्रॉब्लम आता है कि एक महीने का पास बनाना अच्छा रहेगा या प्रतिदिन का पास टिकट देकर, पैसा देकर टिकट लेना अच्छा रहेगा, कौन किफ़ायती है, और वो वर्किंग डेज का डेज लिखते हैं और हर दिन का फेयर देते हैं। तो उसमें कुछ शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने उसको प्रॉब्लमेटाइज किया कि ये तो एक खास वर्ग का मामला है जो कि केवल और केवल उसके लिए निर्धारित वर्किंग डे में ही निकलना है। हमारे गार्जियंस जो कि हम डिप्राइव्ड हैं और फैक्ट्रियां दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए हमारे माँ बाप को यहाँ केवल उन व्यवसायों के आधार पर रहना पड़ रहा है जो कि फास्ट फूड वाले हैं, और वो उनको दो टर्म में नौकरी करनी पड़ रही है, एक कभी और एक कभी, तो चार बार उनका आना जाना हो रहा है। तो ये वर्किंग डे का जो मामला है कि एक अभिजात्य समर्थ और जो आर्थिक वर्ग में रह रहा है, वो उनके लिए तो रोज दिन का पास सस्ता पड़ेगा, लेकिन एक बंदा जो कि दो शिफ्टों में दो बार चार बार आता जाता है, उनके लिए वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, उनके लिए महीने का पास भी होगा। और इसको मैथमेटिकल ज्ञान के तौर पर प्रकाशित किया जाए, मैथमेटिक्स का ज्ञान यानी कि एक परीक्षित ज्ञान, एक अमूर्त किस्म का ज्ञान, एक वस्तुनिष्ठ किस्म का ज्ञान। तो मैथमेटिक्स के सवाल में भी इस तरह का, आपको भारतीय संदर्भ भी याद होगा कि काम और समय और के रिलेशंस को लेकर ऐसे सवाल काफ़ी समय तक आते रहे हैं कि एक काम को 10 महिलाएं या 20 महिलाएं जितने इतने समय में करती हैं, उसी काम को 5 पुरुष या 7 पुरुष इतने समय में कर सकते हैं, तो बताइए इतने काम को इतनी महिलाएं या इतनी पुरुष कितने समय में कहेंगे। देखने में तो ये गणित का सवाल लगता है, केवल गणना का समय लगता है, काम और समय के रिलेशंस और समीकरण बैठाने का काम लगता है, पर इसमें एक तरह की आइडियोलॉजी भी है। तो लोकतंत्र में अगर शिक्षक एम्पावर नहीं होंगे, लगातार सर्विलेंस बढ़ता जा रहा है, CCTV अब केवल क्लासरूम के अंदर तक ही नहीं है लेकिन सभी जगह तक है, लगातार टेक्नोलॉजिकली सर्विलेंस बढ़ता जा रहा है, शिक्षक
पावर विहीन हो रहा है, केंद्रीय संस्थाएं बढ़ रही हैं, लगातार टेस्ट हो रहा है और वह टेस्ट के मानक कहीं और से तय हो रहे हैं, तो एक शिक्षक उसमें एक डरा हुआ ही रहेगा। अब कोई विद्रोही किस्म का शिक्षक हो तो वो अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर लगातार शिक्षकों का मनोबल टूट रहा है। शिक्षकों का तो हालत ये है कि शिक्षकों के कैडर का विनाश कर दिया गया। आप उदारीकरण के समय में देखेंगे, जब DPEP आया था उस समय से प्रतिकरण की पारा शिक्षक, शिक्षक मित्र नाम बड़े सुंदर सुंदर, और ऐसे नाम देकर एक ऐसी व्यवस्थाएं पूरी पैरेलल खड़ी की गई कि ये कैडर ही खत्म कर दिया गया। ये कैडर अब अपनी आवाज़ एडहॉक शिक्षक, अतिथि शिक्षक, ठेके का शिक्षक, तमाम तरह की शब्दावलियों और तमाम तरह की सेवा शर्तों के तहत शिक्षक आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि इनका पॉलिटिकल आवाज़ ही खत्म हो गया है। और यह केवल शिक्षकों का हाल नहीं है, मजदूरों का भी हाल है। मजदूरों का भी संगठन समाप्त हो चुका है, विस्थापितों के का संगठन समाप्त हो चुके हैं, किसानों के संगठन में ये लगातार एक तरह के पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, एक आर्थिक राजनीतिक दर्शन के तहत आप देखेंगे कि हर तरह की संघर्षशील संस्थाएं खत्म हो रही हैं, टीचर डीमोरलाइज हो रहा है। तो वैसे में ऐसी व्यवस्था के खिलाफ एक शिक्षक से उम्मीद करना अति क्रांतिकारिता की ही उम्मीद करना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही लोग पैदा होते हैं और स्ट्रक्चर से ही साहस पैदा होता है। यह अलग बात है कि फिर संभावना कहाँ बनती है, पेडागॉजी ऑफ होप कहाँ बनता है, उन्हीं में से कुछ लोगों में से ज़रूर बनता है, पर यह आम माहौल तो ज़रूर है। और प्रश्न लिए जाने की, सर क्लास 8th में सुबह गतांडे आदमी जीवन को देखता है। अच्छा, आम जीवन, हाँ एकाध पाठ हो सकती है, वो उसमें कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ सवालें, कुछ प्रश्न मैंने एड्रेस कर दिया है और सवाल पढ़ रहा हूँ। लोकतंत्र मुझे लगता है और सवाल मुझे दिख नहीं रहा है, तो समापन की ओर बढ़ते हैं। और आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपने जो इतना समय लगाया, बहुत सारे कामों को छोड़कर इसमें समय लगाया और पूंजी भी लगाई, क्योंकि अब जो है आपसे बातचीत करना भी पूंजी आधारित ही हैं। डेटा आपने लगाया, पूंजी लगाया, सरोकार लगाया, उसके साथ मैं न्याय कर पाया कि नहीं न्याय पर कर पाया, आपका समय सार्थक गुजरा या नहीं गुजरा, मैंने कोशिश की। कुछ तो हड़बड़ाहट में, कुछ नेट आखिरी समय में, कुछ नेट का मामला, शुरुआत में भी कुछ नेट का मामला आया, उसकी वजह से भी कुछ देर हुआ और कुछ एक तरह की अफरा तफरी फैली, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।